फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में एक पैनिक है। स्कूल्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, फिल्म की रिलीज कैंसिल हो गई है, और जगह जगह मीटिंग्स कैंसिल है, और जो वर्ल्ड लेवल के जो स्पोर्ट्स होने थे वो कैंसिल हो रहे हैं। एक पैनिक है कोरोना को लेकर। और वास्तव में कोरोना ने एक बड़ी तबाही मचा रखी है, एक बड़ा संकट खड़ा कर रखा है। वैसे तो इसे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, शेयर मार्केट इससे डिस्टर्ब हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी सावधानी और इससे संबंधित जो कभी कभी अफवाहें फैल रही हैं और सरकार की क्या तैयारी हो या हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस संबंध में डॉक्टर सहाय से हम कुछ चर्चा करते हैं। और कुछ आपके काम की चीजें, जो सभी के काम की चीजें, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करके कुछ बातें सामने लाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं डॉक्टर सहाय से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे में। तो डॉक्टर साहब, आजकल जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना जो कि चाइना से निकला है, वो उसने पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरे पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। आप देखिए, मॉल्स बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, जी, खेल जो इंटरनेशनल लेवल के हो रहे थे वो सभी पे पोस्टपोन कर पाबंदियां दिए लगी गए हुई हैं, हैं। आईपीएल भी पोस्टपोन कर दिया जी गया है। हाँ, एक अजीब सा पैनिक है, सभी मास्क के बारे में बात कर रहे हैं, सभी जी हाँ, सैनिटाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, सभी इसकी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पैनिक पे और इसकी सावधान, जो पैनिक फैला हुआ है इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, और एक जो मतलब सावधानी जो जरूरी है वो आप बताइए इस विषय वो में। आदमी को मॉब में जाने से बचना चाहिए। पहला, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए आपको सफाई बहुत जरूरी है। जहां पे कि जानवर का पंच हो, जहां जानवर का मांस दिखते हो, वहां से बचिए। पानी उबाल के पीजिए, पानी गर्म पीजिए, आप गर्म पानी का सेवन कीजिए और गरारा भी कीजिए उससे। अच्छा, गर्म पानी पीने से, हाँ, और मतलब जिससे गले पे जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ही इन्फेक्टेड पहले करता है, उसके अच्छा बाद में अच्छा ये सेकंड स्टेज पर ये आता है जिसमें कि डायरिया पे भी आ जाता है। तो पहले अपने को ही सेफ कीजिए। फैमिली में कोई मेंबर है जिसको कि कोल्ड कफ हुआ है, अच्छा उसके पास आप उससे दूर रहिए, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचिए, अच्छा उसका भी इलाज कराइए। ये ऐसा नहीं है कि हाँ कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचाव सबसे बड़ा चीज है और ट्रीटमेंट भी है इसका समय पे आपको यदि मिल जाए तो। और जहां बंच है, जहां पे आप बाहर जा रहे हैं, वहां पे मास्क लगा के जाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मास्क हर समय लगाइए, नहीं, मास्क वहां पे लगाइए जहां पर कि आपका मॉब में जा रहा है, जहां गैदरिंग है लोगों की, वहां पे मास्क लगाइए। फ्लू के एरिया, जहां पे फ्लू है किसी पेशेंट्स को या आपके फैमिली मेंबर को, जी वहां मास्क लगाइए। और मास्क को बाद में जैसे हाथ को साफ करते हैं तो टिश्यू पेपर वगैरह को भी डस्टबिन में डाल दीजिए, उसको अच्छा किसी भी इन्फेक्टेड एरिया, खुले एरिया मत रखिए। पानी गर्म से गर्म यूज कीजिए, सभी कोई गर्म पानी यूज करे, गर्म पानी से गरारा कीजिए, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका सही रहे। यही इसका तरह कहने का बचाव तरीका मतलब, है। हाँ, सामान्य एक्टिविटी हम लोगों को करते रहना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं डरने है, की जरूरत इसमें इसलिए सावधान है कि रहें, सेल्फ इम्यूनिटी मैकेनिज्म जो है, इम्यूनिटी अपना डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत कीजिए उसको। मेंटेन करें, उसको जी बढ़िया हाँ, रखें। जैसा कि बाबा रामदेव ने भी कहा है कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सब चीजें, इससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मजबूत होता है, मजबूत इम्यूनिटी होता है। सिस्टम आपकी मजबूत होती है। उसको आप मजबूत रखिए, आप ठीक रहेंगे। व्यायाम कीजिए, बॉडी में हीट दीजिए, बॉडी से पसीना निकालिए, खुद इम्यूनिटी आपकी डेवलप करेगी। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बचने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती इम्यूनिटी है, कम होती है। उनमें वायरस ज्यादा अटैक करने के चांसेस रहते हैं। तो समय पे इंडिकेट कीजिए, हाँ इसमें यह है कि जो खांसी आएगी वो ड्राई ड्राई कफ रहेगा, प्रोडक्टिव कफ नहीं रहेगा, गले में दर्द रहेगा, तुरंत अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से मिलें और परामर्श लेके ही दवाइयां यूज करें, ऐसे मत कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ केसेज अभी कल ही की बात है कि सोनभद्र में भी कुछ केस आ गए, उनको वैसे नहीं आए आइसोलेशन आए में रखा। जरूर, ऐसा नहीं, अभी हाँ, वो कंफर्म नहीं उनका हुआ, कंफर्म नहीं है। सस्पेक्टेड केस पे किसी को भी ऐसा वो फैलाने का वो मतलब इस नहीं तरीके का है, कोई जो अफवाह या नहीं पैनिक नहीं अफवाहें फैलाए, फैलाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जहां भाई आदमी अपना जरूरी बीमार लगे होगा तो। तो वो अपना एग्जाम्पल देगा ही, वहां पे जाके अपना सैंपल देगा कि हाँ हमारा टेस्ट किया जाए कि है या नहीं, तो उसको ऐसा अफवाह फैला के नहीं बर्बाद करेगा कि हाँ उसको हो गया कोरोना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिले स्तर पर सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं बहुत की कुछ, है? बहुत कुछ व्यवस्था है। आपको मरीज को वहां जाने नहीं, बस केवल इन्फॉर्मेशन मिले, खुद मेडिकल टीम आएगी और आपको हमारे यहाँ की ले मेडिकल जाएगी। टीम हमारे उत्तर प्रदेश की क्या, पूरे इंडिया की सब सचेत है इस चीज पर। अच्छा, कोई टोल फ्री नंबर भी है क्या इसका? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मिलेगा, बट वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे सीएससी है, वहां पर जाके इन्फॉर्म करें या वहां पे जाएं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हाँ और है कि जहां कोरोना फैला इस तरीके से, जो इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो सकारात्मक ये भी है कि लोग आज काफी अलर्ट हो गए हैं हेल्थ को लेके, इन सब हेल्थ को चीजों को लेके लेके। अलर्ट तो है। इसका दूसरा पहलू है कि बचाव के साथ साथ लोग कम से कम इस चीज की आदत भी डालें कि किस तरीके से बीमारियों से दूर जी रहना है, हाँ साफ सफाई से रहना हाँ है। साफ सफाई, साथ में खाना पीना अपने को आप मेंटेन करने लें, खाना पीना रहन सहन पे ध्यान दीजिए। अभी तक लोग ये थे कि हाँ कुछ भी खाना खाया, कुछ भी बीमारियां हुई उस सही हो जाएंगी, लेकिन कोरोना वायरस अभी जो नया चढ़ा है इसको अभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसका वैक्सीन तैयार करने के लिए, बट जब तक तैयार नहीं हो जाता तब तक तो ये डर ही है कि हाँ आप अपने मजबूत रखिए, बचाव कीजिए, जितना बचाव हो सके उतना बचिए आप। अच्छा, भारत जैसे गर्म देशों में तो अभी केसेस बहुत कम आए, ठंडे देशों में ज्यादा इसके केसेस जो आ रहे हैं बाहर से आए हैं जो उनके बाहर से द्वारा आए, ये हो रहा है, जो और बाहर से लोग आने उनको एग्जामिन किया जा रहा है कि हाँ वो लेके आए हैं या नहीं है, उनको भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ जहां तक जितनी भी अभी तक जो कैजुअलिटी हुई है वो किसी ना किसी दूसरे कारण से हुई है, ऐसा नहीं कि हाँ परफेक्टली यहाँ इंडिया में रहने वाले ही वो यहां हुए से हैं, नहीं ऐसा हुआ, कुछ नहीं, ज्यादातर जो बाहर से आए बाहर हैं से है उनके साथ उनके साथ ऐसा भी है। हाँ इन्फेक्शन ही आया है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं बस है, बचाव कीजिए, बचाव बचाव कीजिए। कीजिए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, सबसे बड़ी चीज है। काम सब कुछ करते रहिए, बंच में जाने से बचिए, सैनिटाइजर अल्कोहल वाले सैनिटाइजर यूज कीजिए, टिश्यू पेपर यूज कीजिए, ये सब सबसे बड़ा बचाव तरीका है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती समय अपना दिया और कोरोना पे जो है कुछ जानकारियां दी, उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।